पे अभी सोएंगे भी नहीं क्योंकि कल सुबह सिक्किम पहुंचना है, तो मैं ट्राई करता हूँ मुझे गैंगटॉक में एक अच्छा सा प्राइस में एक बाइक रेंट में मिल जाएंगे। तो सो है गाइस, दिस इज सनेश। तो आप लोग कैसे हो, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये ब्लॉग ना कोई साधारण ब्लॉग नहीं होने वाला है, ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं आ रहा हूँ सिक्किम पे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी फेसबुक पे ऐसे 5 तारीख को मैंने पोस्ट कर दिया था सिक्किम आ रहा हूँ बोल के, तो बहुत लोग ने कमेंट किया था, मैसेज किया था, हाँ भाई जल्दी आओ हम लोग भी मिलेंगे बोल के, ठीक है। तो हम लोग का टिकट भी हो चुका है ऑलरेडी, 9 तारीख का सुबह 5 बजे का फ्लाइट है हम लोग का। तो अभी हम लोग को आज 8 तारीख है फिलहाल, तो हम लोग को 8 तारीख यहाँ से निकलना है नाइट का, ऐसे 1-2 बजे हम लोग को गाड़ी बुक करके यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो आप लोग को लग रहा है क्या एलिसा नहीं आ रहा है क्या, मैं अकेला आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो एलिसा आज पार्लर पे गया है, थोड़ा उसका काम करवाना है, एक्चुअली मेरा भी काम है, थोड़ा हेयर कटिंग करना है, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे थे, मैसेज करके बोल रहा था कि मुझे थोड़ा सेविंग करके आओ क्योंकि हम लोग तुमको पहचान नहीं पाएंगे, जब तुम सिक्किम में था तो छोटा सा बच्चा दिखता था, अभी इतना मोटा भी हो गया, एक्चुअली इतना तो मोटा नहीं हुआ क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मोटा हो गया बोल के, ठीक है। तो कल तो पहुंच जाऊंगा सिक्किम में, बहुत ही खुश हूँ कल सिक्किम पहुंच जाऊंगा। तो ठीक है, अभी ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि मेरे भी विकेट रोड जाना है, ठीक है, और गाड़ी भी पार्क करने के लिए जाना है, यानी कि मेरा बाइक जो है इधर जगह नहीं है, तो मुझे इंदर नगर जाना पड़ेगा उसका पार्क करने के लिए भी। तो चलते हैं जल्दी से विकेट रोड पे। भाई साहब इतना जाम था ना, क्या बताओ, विकेट रोड पे टाइम नहीं मिला था मुझे, बाइक पार्क करने के लिए भी टाइम नहीं मिला है। तो अभी आपका टाइम हो रहा है 8:30 बज गए, मुझे यहाँ से इंद्रनगर पहुँचने में लगभग 5 किलोमीटर लग जाएगा इधर से। मेरा एक सपना है सिक्किम में, मैं जैसे यहाँ पर मोटर ब्लॉगिंग करता हूँ उधर भी करने का मन लगता है, पर मेरे पास उधर कोई बाइक भी नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने इस कैमरे पे मेरा गोपरो सेट किया है, तो मैं दूसरे हेलमेट में शायद नहीं कर पाऊँगा, इसलिए नहीं तो मुझे सिक्किम में आके भी मुझे मोटर ब्लॉगिंग करने में बहुत ही दिलचस्प है, पर क्या करूँ, सभी को मिलता नहीं ऐसा है ना। अभी मैं ट्राई करता हूँ मुझे गैंगटॉक में एक अच्छा सा प्राइस में एक बाइक रेंट में मिल जाएंगे, तो मैं आप सभी को मोटर ब्लॉगिंग करके भी दिखाऊंगा सिक्किम में। अदरवाइज़ अगर मैं बाइक ले नहीं पाया तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे नॉर्मल ब्लॉगिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था आप लोग ने जब मैं सिक्किम आऊँगा तो आप सभी को मैं कंटिन्यू ब्लॉग लेके आऊँगा। तो फिलहाल मैं अभी इंद्रनगर भी पहुँचने वाला हूँ, शाम का टाइम पर निकला था, बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत ट्रैफिक है इधर रोड पे। अब आ जाओ सिक्किम पे, सिक्किम पे कब आओ। मेरा दोस्त है वो लोग मेरा बाइक का अच्छा से ध्यान रखेगा। हाय दोस्त, कैसे हो? हे टाइगर भाई, क्या चाहिए आपको, बोलो बोलो जल्दी, मैं सिक्किम जा रहा है, क्या चाहिए? डल्ले खोर्सानी खाने, डल्ले खोर्सानी लेकर आई दी हम तुम्हारा लगी खाँचे हो, मान चला तो पूरा टोकने पाए। अरे हाँ, तुम ना आजकल बहुत इंसान को काटता हुआ मैं सुना था, ऐसा मत काटना ठीक है, बुरा बात है। क्या बात है? बुरा बात है, बुरा बात है। चलो ये खुशी में अभी हाथ दे दो, अरे भाग रहे, हाथ दे दो ऐसे, बोलो हैप्पी जर्नी बोलो। हो गया अभी 1:30 बज गए, तो हम लोग को गाड़ी भी बुक करना है, तो मम्मी जी मेरे प्यारे से मम्मी जी, मैं भी जल्दी से घर आ रहा हूँ। तो हम लोग का ऑलमोस्ट सभी काम हो चुका है, पैकिंग का और फोन का चार्जर का सभी पैकिंग सभी हो गया, तो हम लोग इस टाइम कुछ बना के लेके जा रहे हैं फ्लैट में, क्योंकि लास्ट टाइम जब गए थे ना तो हम लोग सभी का मुंह देख रहा था, हम लोग ने फ्लैट में पूछे थे एक मैगी खाने के लिए, तो मैगी का बोला वो 200 भाई, मैं तो नहीं खाएगा 200 मैगी नहीं खाएगा। तो हम लोग ने इस बार बहुत सारा कैरी कर रहे हैं खाने के लिए। तो एलिसा बना रही है अभी इधर, क्या बना रही है एलिसा? झालमुड़ी। तो उसने झालमुड़ी बना के रखे, तो हम लोग फ्लैट में खाएंगे ऐसे झालमुड़ी। तो हाँ, तो हम लोग ने चिकन और ऑलरेडी बना के पैक करके अच्छे से पैकिंग करके सिल्वर फोन में हम लोग को पैक कर दिया है। तुम कितना एक्साइटेड हो घर जाने के लिए? मुझसे ज्यादा तो आप एक्साइटेड हो भाई। नहीं, मैं तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कुछ ज्यादा चाहता हूँ। तो तुम बोलो, तुम कैसा लग रहा है, तुमको फील कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली मैं जा रही हूँ एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड ही हूँ। तो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग ने उसका पापा को एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला है, क्योंकि हम लोग ने अभी तक नहीं बताया है, हम लोग कल आ रहे हैं बोल के, उसके पापा को हम लोग कॉल करके बोल दिए हम लोग 10 तारीख का आ रहे हैं बोल के, और हम लोग जा रहे हैं अभी सुबह 9 तारीख। पापा को विश्वास नहीं हो रहा था, मेरा सिस्टर को कॉल करके पूछ रहा था कि कब आ रहा है बोल के, पर मेरा सिस्टर ने फिर मेरा साइड से उस
उसने भी झूठ बोल दिया कि 10 तारीख को आ रहा है, तो पापा वेट कर रहा है मेरा 10 तारीख को आने के लिए। तो बिल्कुल भी उसको पापा जी को कुछ भी मालूम नहीं पता है, मतलब मालूम नहीं पड़ रहा है अभी हम लोग आ रहे हैं बोल के। अभी मार्क्स भी मैं बहुत सारा कैरी करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कभी भी धोखा दे सकता है, जैसे कि एक्स गर्लफ्रेंड जैसा। ठीक है, इसी अभी हम लोग का कैब भी बुक हो चुका है, यहाँ से 3 मिनट है। तो अभी हम लोग को नीचे जाना है जल्दी जल्दी से, पैकिंग नहीं हुआ अभी तक, कैब वाला फोन करके बोलेगा कर। तो अभी हम लोग का पैकिंग करके निकलना है, तो मिलते हैं गाड़ी पे सीधा। गाइस अभी हम लोग फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। अभी इसके अंदर वीडियो बना सकूंगा नहीं सकूंगा पता नहीं, पर अभी जितना ही आगे इधर बाहर दिखा दूंगा, अंदर मालूम नहीं मैं वीडियो बना सकूंगा नहीं सकूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महादेव। महादेव है तो ठीक है सर, आपसे फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगा। ठीक है, बाय बाय। टाइम हो गया आपका, 3 बज चुका है लगभग, दिख रहा होगा इधर तो टाइम हो गया अभी 3 बज गए। एलिसा बोलो, गाड़ी में कितना नींद लगे था हम लोग को, बाप रे बहुत नींद लग गया गाड़ी पे, अभी सोएंगे भी नहीं कभी, क्योंकि कल सुबह सिक्किम पहुंचना है। तो चलते अभी आगे हम लोग यहाँ से साइड ले लेंगे। अभी हम लोग का पूरा बोर्डिंग पास कंप्लीट हो गया एंड अभी हम लोग गेट पे हैं, एंट्री गेट के अंदर घुसने के बाद हम लोग फ्लाइट के अंदर होगा। अभी वेटिंग करना, 1 आवर्स हम लोग को वेटिंग करना पड़ेगा। क्या हुआ था, मैं एक पुलिस को पता था वीडियो बनाने के लिए, ठीक है वो मना कर दिया था इधर वीडियो नहीं होगा। फिर मैं छोटा सा कैमरा से थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट निकाला। तो अभी हम लोग के साथ किया हुआ ना, हम लोग ने एक ही साथ पे टिकट बुकिंग किया था, यानी कि हमने बोला था साथ में सीट करने के लिए, पर पता नहीं वो टिकट वाला ने क्या बना दिया, एकदम अलग अलग सीट पे डाल दिया है। तो मैं उससे भी जाके बात कर लूँगा घंटों को जल्दी। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली बागडोरा पहुंच गए, लगभग वहां से निकले थे 5:10 में, यहां पर पहुंच गए हम लोग ऐसे 8:10 में। टाइम एकदम बराबर था और मुझे बागडोरा का इस बार का वेदर बहुत ही अच्छा लगा, बारिश हो रहा है, बहुत खुश है मैं तो। मुझे सोचा नहीं था, लास्ट टाइम किया हुआ था पूरा धूप लग गया था, तो आज तो पूरा बारिश निकला है। तो हम लोग को गाड़ी भी मिल गया है बागडोरा से, यहाँ से हम लोग SNT जा रहे हैं। SNT जाने के बाद फिर हम लोग सिक्किम का गाड़ी पकड़ के सीधा जा रहे हैं। तो अभी हम लोग SNT में पहुंच गए, बस का टिकट किया था, तो अभी 11:30 आएगा बोल रहा है। तो अभी फ़िलहाल आपका 10:35 हो गया है, तो अभी और 25 मिनट वेट करना है, देखेंगे। क्योंकि बोल रहा था गाड़ी नहीं आए अभी तक, तो हम लोग ऐसे वेट कर रहे हैं।
पर इस बार का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, पूरा धूप लग गया था, ठीक है, तो बहुत गर्म था, पर इस बार बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है इधर। तो है गाइस, हम लोग सिक्किम में पहुंच चुके हैं। लगभग यहाँ से बहुत टाइम लगा था, हम लोग बहुत ही थक गए। तो इस तरफ है सिक्किम और इस तरफ है वेस्ट बंगाल, ये मल्ली का पुल है। तो अभी हम लोग आज मल्ली पे रह रहे हैं क्योंकि थोड़ा काम भी था और एलिसा को पापा को सरप्राइज भी देना था, ठीक है। तो अभी हम लोग इधर मल्ली पुल पे है, तो बॉन भी इधर ही है। मुझे ना यहाँ के हमेशा एक बात बहुत ही अच्छा लगता है, ये है एलिसा का घर, वो लोग का फर्स्ट फ्लोर में है। तो उसका घर के सामने से ये नदी है, इसको बोलते हैं टिस्टा नदी, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। चलो आप लोग भी दिखा भी दे देता हूँ मैं जाके। हाँ जी सर जी, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? तो ओ हो, सुबह सुबह नहाने के लिए आए हो इधर? हाँ 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 हाँ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये दोनों भाई साहब आए सुबह सुबह नदी में नहाने के लिए। बहुत ठंडा नदी है, दोनों आए। मेरा पीछे लग गए अभी ये लोग। नहीं आ रहा है, आजा 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 आजा, आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। पानी को ना हाथ भी नहीं लगा सकेंगे क्योंकि सुबह सुबह ना इतना ठंडा होता है ये। गाइस मेरे से तो नहीं हो रहा छोने के लिए, बहुत ही ठंडा पानी है। तो मैं आप लोग को बता दूं अभी मैं किधर हूँ बोल के, उस तरफ है वेस्ट बंगाल और जो आप ये देख रहे हो सभी घर वगैरह, ये है सिक्किम, सिक्किम का मल्ली है ये, ठीक है। तो ये भी मल्ली है पर ये वेस्ट बंगाल मल्ली है और ये सिक्किम मल्ली है। तो अभी हम लोग यहाँ पर मल्ली से निकल जाएंगे 12 बजे एलिसा, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी को उठते हैं, यानी कि बहुत लेट उठता है वो, घर में आने के बाद भी सोता रहता है। तो ठीक है, मैं आपको एलिसा का मम्मी और पापा से भी मिला देता हूँ। अभी हम लोग सुबह का चाय पी रहे हैं, पहले हम लोग इधर ब्लैक टी पीते हैं क्योंकि दूध चाय पहले नहीं पीने से पेट खराब हो जाता है। तो ये है एलिसा के पापा, ठीक है। तो पापा जी को क्या हुआ ना, कल हम लोग आ रहे थे रास्ते पे, तो पापा जी को पहले मालूम पड़ गया था हम लोग आ रहे हैं बोल के। भन्नुहोस् त किन, मतलब हामी आउँदैछु भनेर कसरी थाहा भयो तपाईँलाई? अनि मेरो छोरी, ठुलो छोरीले मलाई घरिघरि फोन गरेर सोधेको गरे कि कहाँ छ बुवा, कहाँ छ भनेर सोधेको गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि नि अन्त मलाई अलिकति साइको लाग्यो, डाउट लाग्यो तपाईँले। तो इसमें सभी में सबसे बड़ा हाथ सरुदी का लग रहा है क्योंकि सरुदी ने कॉल करके बाबा बीबीता जी का तरह डाउट लग गया था। तो ये है एलिसा की मम्मी, बहुत ही अच्छी है। गाइस मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे रहे, खुश रहे, टाटा बाय बाय। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सिंगताम।